हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जी एस एकेडमी का नया बुक आया है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट ही नहीं इसे आप एक बुक की तरह देख सकते हैं जैसे घटना चक्र वगैरह होता है उसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं इसमें जो है एक्सप्लानीशन काफ़ी काफ़ी ही अच्छा दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको जो है इसमें स्टडी नोट्स भी दिए गए हैं भाग वन भाग टू भाग थ्री करके तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि इसका आपका मास्टर वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगी कंप्लीट भाग एटीन uh, तक का और फिलहाल आपका प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था आपका चार तक प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया था जो कि आपका प्रीवियस ईयर था 22 सात 2018 हज़ार यहाँ तक आपका हो गया था फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं 22 बाईस सात दो में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का आप लोग वहां से जाके इसे देख सकते हैं पिछले वीडियो को भी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न देखिएगा पहला प्रश्न है आपका कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है तो लघु परिपथन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक्सप्लानेशन देखिए इसका कि जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है शॉर्ट सर्किट या फिर लघु परि लघु परिपथन होता है शॉर्ट सर्किट को ही हिंदी में लघु परिपथन कहते हैं तो जब विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होता है ठीक है विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है क्या होता है विद्युत धारा में जो प्रवाह होता है हमेशा बंद सर्किट में होता है धारा का मान बढ़ने पर क्या होता है वोल्टेज का भी मान बढ़ जाता है अगला प्रश्न देखिएगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान छिहत्तरवा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान छिहत्तरवा है जबकि वही 2021 में सताइसी माँ था एटी सेवन था सता, आ, एटी सेवन माँ था इसमें कुल 115 देश को दोनों वर्ष में शामिल किया गया है इसमें कुल 115 15 देशों को दोनों वर्ष में शामिल किया गया ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है किसके द्वारा तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच फोरम की जो स्थापना है उन्नीस में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट वैरियर रिफ जिसको बोलते हैं तट के समांतर स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति या फिर ग्रेट वैरियर रिफ जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है तो ये पूर्वी में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति पूर्वी तट के समांतर है यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है प्रवाल भित्ति शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जो प्रवाल भित्ति की शरीर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं भारत का भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है ये याद रखिएगा कि भारत का जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति का ही एग्जाम्पल है प्रवाल जीवो प्रवाल जीव जो होते हैं वो कई रंग की होती है जैसे बैगनी और हरा प्रवाल जीव को ही मूंगा कहते हैं प्रवाल जीव को क्या कहते हैं मूंगा कहते हैं अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण जो है वो किया गया केंद्रीकरण किया गया 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि उच्च शिक्षा पर प्रति वर्ष एक लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा वहीं अठारह एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था अठारह का जो चार्टर एक्ट था वो अंतिम चार्टर एक्ट था और सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ये जो एक्ट था इसके तहत सत्रह में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी क्वेश्चन नंबर पांच देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका कवास गुजरात हो जाएगा कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये गुजरात में है कबास तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है गुजरात में है अब देखते हैं कि यह मेल जो है वो सही सुमेलित दिया हुआ है ठीक है अगर आगे बात करते हैं रामगुंडम का तो रामगुंडम जो है वो तेलंगाना में है रामगुंडम गुंडम कहाँ पर है तेलंगाना में ना कि तमिलनाडु में होगा कोरबा जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ में है कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है और तालचर जो है वो उड़ीसा में है तालचर कहाँ पे है उड़ीसा में छठा नंबर प्रश्न देखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का, का सदस्य नहीं है तो वह देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं युक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा दोस्तों तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो छ माह हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का, का सदस्य नहीं है राज्य विधायिका का, का सदस्य नहीं है तो वो मात्र छ माह के लिए ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और उसे जो है निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना जरूरी होता है अन्यथा वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेगा हटा दिया जाएगा अनुच्छेद एक के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद एक के अनुसार राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है सात देखिएगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है इस प्रभाव को जाना जाता है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका अपवर्तन होगा प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाना परिवर्तन कहलाता है लौटना परिवर्तन कहलाता है और प्रकीर्ण के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है इसे आप लोग बी कर लीजिएगा प्रकीर्ण के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश का किसी खास दिशा में मुरना प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है ध्रुवन कहलाती है और प्रकाश जो है वो यांत्रिक तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग है इस पॉइंट को भी याद कीजिएगा ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है ध्रुवन की घटना हमेशा अनुप्रस्थ रंग में होती है आठ नंबर देखिएगा उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए बयालीसवां संविधान संशोधन द्वारा ऑप्शन नंबर डी उद्देशिका या प्रस्तावना अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है वो भी बयालीसवां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए बयालीसवां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है जो उन्नीस का है बात करते हैं चौवालीसवां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद तीन सौ एक तीन सौ तीन सौ के कौ में विधिक अधिकार में रखा गया विधिक है या फिर कानून का है ठीक है जलेपला दर्रा स्थित है जलेपला दर्रा जो है दोस्तों ये सिक्किम में है जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है सिक्किम में स्थित अन्य दर्रा इसके अलावा नाथुला भी है सिक्किम में जिलेपला नाथुला है दो पर्वत के बीच संकरे मार्ग को क्या कहते हैं दर्रा कहते हैं बोमडिला दर्रा यांगप्पा दर्रा दीफू दर्रा ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है रोहतांग दर्रा वारालाचा दर्रा सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है माना दर्रा नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है दस नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है तो प्रकाश का जो न्यूनतम होगा वो लाल के लिए और ज़्यादा होगा बैगनी के लिए तो लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो न्यूनतम होता है माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है आगे बात करते हैं बैगनी रंग का तो बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी को पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में ग्यारह नंबर देखिएगा जी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन हैं तो जी शब्द के खोजकर्ता जो हैं वो हैं आपका उम्रटे सुलपाशो, उलमेटो सुलपाशो। ये जो हैं इन्होंने जी शब्द का खोज किया था चलिए अगला प्रश्न आते हैं जीडीकेपी क्या होता है तो जीडीकेपी के चार बुनियादी स्तंभ होते हैं एक होता है नॉलेज आइटम दूसरा होता है कंट्रीज नॉलेज यूजर मैट्रिक्स कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स तीसरा होता है कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स और चौथा होता है कास्ट ऑफ लर्निंग भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है जी का बारह नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो नाग है ये भी याद रखिएगा कि नाग क्या है तो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण जो इसका है वो धुआ शास्त्र हेलिना है धुआ शास्त्र हेलिना है ऑप्शन नंबर डी इसे उड़ीसा के बालासोर जिले से लॉन्च किया गया हेलिना सेना संस्करण और ध्रुव शस्त्र वायुसेना संस्करण तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है नाग को दागो और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया गया है तेरा देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक तो दिया गया रविंद्र जटेजा को प्रमोद भगत को स्वप्ना वर्मन को गौरव सिंह गिल को सभी इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर रविंद्र जटेजा प्रमोद भगत स्वप्ना वर्मन गौरव सिंह गिल को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में और यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल हेतु दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी अर्जुन की एक काश प्रतिमा दी जाती है एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में पंद्रह लाख रुपया नगद दिया जाता है ठीक है प्रमोद भगत ने 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीतकर बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने थे इस पॉइंट को आप लोग बिहार के अगर होंगे तो बिहार के एग्जाम के लिए इसको टिक कर लीजिएगा वैसे तो आपके लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं चौदह नंबर पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध सत्रह सौ इकसठ का समय जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध जो है दोस्तों ये अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था इसमें पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशबा बालाजीबाजी राव थे कौन थे बालाजी बाजी राव और इस युद्ध में मराठों की हार होती है अफगानों का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दावली ने किया था और इस युद्ध में मराठों का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाव ने किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वास राव ने किया और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाता जाना जाता है पंद्रह नंबर देखिएगा नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है नमस्ते सलोम पत्रिका जो है ये इजराइल और भारत के संबंधों पर आधारित है नमस्ते सलोम पत्रिका भारत और इसराइल के संबंधों पर आधारित है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है गोदावरी नदी की लंबाई चौदह किलोमीटर है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्रम्बकम गांव के पहाड़ी से निकलती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी को दक्षिणी दक्षिण की गंगा या फिर बृद्ध गंगा भी कहा जाता है प्रबर पूर्णा, मंजिला बेनगंगा वारधा पेनगंगा और प्राणहिता ये सभी जो है वो यम ए, इसका गोदावरी का सहायक नदी है ठीक है सत्रह नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि से प्रदान किया प्रदान किया गया बुरहान उल मुल्क की उपाधि से तो ये उपाधि दिया गया सा आदत खां को स आदत खां को मुगल बादशाह बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई सादत खां को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था किसने मोहम्मद शाह ने दिया था इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा सादत खां का मूल नाम क्या था दोस्तों तो मीर मोहम्मद अमीन था इसका सादत खां का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन सादत खां अवध में स्वतंत्र राज्य के वर्ष सत्रह से सत्रह तक संस्थापक था लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था अठारह में लॉर्ड डलहौजी 18 अठारह नंबर प्रश्न देखिएगा निमारी एक नस्ल है तो निमारी जो है एक नस्ल है गाय की निमारी एक गाय की नस्ल है निमारी का उद्गम जो है वो भारत में हुआ था और निमारी का मूल स्थान मध्य प्रदेश है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है तो भारत में विधि निर्माण का जो सर्वोच्च निकाय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भा... सर्वोच्च निकाय संसद होगा क्या होगा संसद ऑप्शन नंबर ए संविधान का अनुच्छेद 79 संसद की व्याख्या की गई है जिसके अनुसार राष्ट्रपति 52 लोकसभा 81 और राज्यसभा 80 संसद के तीनों अभिमन्य अंग है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद बनता है संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है और परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है संविधान के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद तेरह के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकती है और संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अगला बीस नंबर प्रश्न देखिएगा मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है ये भारत के मिजोरम राज्य में है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है दम्फा जीव अभ्यारण्य भी मिजोरम में ही है दम्फा मिजोरम में ही है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान उन्नीस ईस्वी में हेली नेशनल पार्क नाम से स्थापित हुआ था और हेली नेशनल पार्क को अब जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है जो उत्तराखंड में है और इसका ही नया नाम अब रामगंगा हो चुका है नागालैंड में इंटाकी वन जीव है नागालैंड में इंटाकी है और असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है इक्कीस नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है वह लोकसभा के ही सदस्यों में चुना जाता है उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यकर्ता है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम त मत दे सकते हैं दोस्तों इसमें से संदर्भ सही नहीं है वो पूछा गया है तो ऑप्शन डी सही नहीं है क्योंकि लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम त मत दे सकते हैं अनुच्छेद 73 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है 93 में वर्तमान में सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं लेकिन उपाध्यक्ष का पद क्या है खाली है मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो निर्णायक मत देते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और बलराम जाखर लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे अच्छा जो ज्वाइंट सिटिंग है उसे बुलाते हैं राष्ट्रपति भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया तो भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाता है 25 जनवरी को क्योंकि 25 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी इसी दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इसी कारण उस दिन सुशासन दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं अगला प्रश्न देखते हैं पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला जो न्यायाधीश है वो है आपका सुमन कुमारी ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान के एक इस्लामिक पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है इसीलिए यहाँ की प्रथम महिला जो न्यायाधीश बनी है हिंदू में वो सुमन कुमारी बनी है नेक्स्ट देखिएगा चौबीस नंबर सी द्वारा विद्यार्थी और, तो और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई तो इस ऐप का नाम है शिक्षा वाणी सी द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई किसकी शिक्षा वाणी की इस ऐप में विद्यार्थी अभिभावक और प्रिंसिपल हेतु अलग अलग सेक्शन होगा ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं पच्चीस नंबर के के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं तो के के वेणुगोपाल जब प्रश्न पूछा गया था उस समय के के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल के पद पर थे और वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट वेंकटरमणी हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा इसीलिए आंसर आपका ए हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा लेकिन वर्तमान में कौन है वेंकट रमणी है अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है किसके लिए तो राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं और ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है जबकि भारत में मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है यही डिफ्रेंस है रूस और भारत के महान्यायवादी में सेवेंटी सिक्स देखिएगा एक ओम बराबर होता है तो एक ओम बराबर एक एम्पियर होता है ओम का नियम जो है इसके अनुसार कहा जाता है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिर्फ सिरो का पर विभांतर के समानुपाती होता है इसका मतलब हो गया कि भी जो है डायरेक्टर प्रोपोर्शनल होगा आई का और भी बराबर होता है आई आर जिसमें भी जो है वो एक बोल्ट है ओम ओम ही होता है और आई आपका एम्पियर है ठीक है सत्ताईस नंबर देखिएगा कि राज्य विधायिका में धन विधायक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है तो राज्य विधायिका में धन विधायक को केवल जो जिसकी जिसकी सिफारिश की जाएगी वो हो जाएगा राज्य विधायिका क्या हो जाएगा राज्य विधायक ऑप्शन राज्यपाल हो जाएगा राज्य विधायिका में धन विधायक को केवल पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ऑप्शन नंबर सी राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधायक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधायक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं और धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम चौदह दिन तक ही रोक सकती है धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं अट्ठाईस देखिएगा निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान टू लॉन्च किया गया था तो उस समय के सिवन थे चंद्रयान टू जब लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे और आई अभी जो है इसरो के अध्यक्ष वो एस सोमनाथ हैं ये भी ध्यान रखिएगा चंद्रयान टू का उद्देश्य था चंद्रमा पर उतर कर उसकी सतह का अध्ययन कर रोवर फिट करना ताकि चंद्रयान टू के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा और बढ़ाया जा सके चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था और चंद्रयान टू को जी एस एल के थर्ड से में छोड़ा गया। 29 है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ तो गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता इस समझौते के तहत ही गांधी जी ने दूसरे वर्मे सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था और भीमराव अंबेडकर तेज बहादुर सपरू ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया गांधी इरविन समझौता के तहत ही गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था तीस नंबर प्रश्न देखिएगा कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है तो मानव की जो फुफुस धमनी होती है फुफुस धमनी ये जो होती है ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध रक्त को ले जाती है सिरा की बात करें तो सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है फुफ्फूस सिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फूस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो सिरा में याद रखिएगा देखिए मैं आपको याद करने का ट्रिक बताती हूँ सिरा है ना तो सिरा से सौ से यहाँ से शुद्ध स्टार्ट हो गया लेकिन फुफ्फूस धमनी की बात करें तो अशुद्ध हो जाएगा वापस इसका ऑपोजिट हो जाएगा मानव शरीर में चार कोष्ठ होते हैं चार चेंबर होते हैं हमारे हर्ट में और अगले भाग में दया अलिंद और बाया अलिंद व हृदय के पिछले भाग में दया नीले और बाया नीले होता है हार्ट अटैक यहीं से होता है इसी में से चेंबर जो ब्लॉकेज हो जाता है इसके कारण भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हंताएँ का उल्लेख है तो भारत का संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हंताएँ का उल्लेख दसवीं अनुसूची में किया गया है दसवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है दसवीं अनुसूची को बावनवां संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस में जोड़ा गया मूल संविधान में आठ अनुसूची ही था नौवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा जोड़ा गया और ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची को तिहत्तरवां संविधान संशोधन और चौहत्तरवां संशोधन द्वारा उन्नीस सौ बिरानवे और उन्नीस सौ तिरानवे में जोड़ा गया संविधान संशोधन अनुच्छेद तीन के तहत किया जाता है अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संघनन संघनन की प्रक्रिया जो है वो वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित करती है संघनन की प्रक्रिया के दौरान निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधा ठोस में बदल जाता है द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है वाष्पीकरण कहलाता है और ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्द्व यानी सम्बली कहलाता है संघनन गुण के कारण ही सूर्य की उष्मा द्वारा अपशोषित भूजल बाष्प वाष्प के रूप में उठ जाता है तो संघनन के कारण वर्षा होती है और भाप की गुप्त उष्मा द्रव से अधिक होने के कारण भाप से जलन ज़्यादा महसूस होता है कभी फूले हुए रोटी में उंगली डाल के देखिएगा फील होगा कि कैसा महसूस होता है ठीक है आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है तो आहार नाल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको कहते हैं शिरोषा क्या कहते हैं शिरोषा आहार नाल हमारे अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पीछे भाग में स्थित गुद्दा द्वारा बाहर की ओर खुलती है गुद्दाट किडनी के द्वारा आहार नाल की सबसे भीतरी परत जो होती है बाहरी को सिरोसा बोलते हैं और भीतरी को भीतरी वाले को म्यूकोसा बोला जाता है म्यूकोसा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो हमारा यकृत यानी जिगर है और शरीर की सबसे विशाल रासायन फैक्ट्री हमारा है ये यकृत चौतीस देखिएगा कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सहयोजी बंध सहसयोजी बंध ग्रेफाइड में कार्बन के परमाणु सहसयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं ग्रेफाइड क्या होता है क्रिस्टलीय अपरूप होता है और ग्रेफाइड की संरचना सष्ट फलीय होती है सष्ठ फलीय होती है मतलब छः फलक होते हैं उसमें ग्रेफाइड अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है 35 देखिएगा कि मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी प्रमोद सावंत को मनोहर पारिकर के पश्चात प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं यानी बीजेपी के 36 नंबर प्रश्न देखिएगा विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में चलिए आप देखते हैं कि किसको क्या में चेंज किया जाता है डाइनमो आप लोग ने सुना होगा डाइनमो जो है इसे यांत्रिक ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है सैंतीस देखिएगा जगरोस पर्वत स्थित है जगरोस पर्वत जो है वो ईरान में है कहाँ पे ईरान में हरमन पर्वत सीरिया में है हरमन पर्वत सीरिया में है जागरूज पर्वत मुख्तः ईरान में है परंतु इसका विस्तार जो है वो इराक में भी है थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा तो जागरूस को याद रखिएगा ईरान से जागरूज को ईरान से रखिएगा याद और इराक में इसका कुछ भाग जो है वो फैला हुआ है दक्षिण पूर्वी तुर्की की सीमा तक जगरोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जार्दकूह है जागरूज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जार्दकूह है जगरोस पर्वत कार्बोनी फेरस युग के चट्टान है अड़तीस नंबर प्रश्न है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी दोस्तों चाल बराबर दूरी वटा समय फार्मूला आपको याद होगा उस पर बैठा के इसको बना लीजिएगा आंसर आपका पचहत्तर किलोमीटर पर आवर एक्सप्लानशन के साथ दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए ठगी उन्मूलन ठगी उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन नंबर सी 1830 सौ ईस्वी में कर्नल सिलीमैन की सहायता से कर्नल सिलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया सती प्रथा से विलियम बेंटिंग ही अठारह में सती प्रथा को समाप्त कर दिया 1835 में कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए इसके बाद इसी के समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अठारह लाया और रिपन के समय में ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना अठारह में कराई गई और अठारह में जनगणना की शुरुआत होती है मेयो के कार्यकाल में लेकिन रेगुलर जो हो गया था वो रिपन के समय से हुआ था लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति अपनाया लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति अपनाया नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य के नए राज्यपाल का सुमेल सही नहीं है तो देखते हैं इसमें से सबसे पहले सुमेल कलराज मिस राजस्थान के हैं कलराज मिस राजस्थान के सही उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के ये आपका कारा है, सही सुमेल नहीं है उसके बाद एक और सही सुमेल नहीं है भगत सिंह कोसियारी केरल के ये भी सुमेल आपका सही नहीं है टी सुंदर राजन तेलंगाना के तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोनों गलत है अरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के और भगत सिंह कोसियारी केरल के ये गलत है जब उस प्रश्न पूछा गया था तब की चलिए हम वर्तमान की बात करते हैं उस टाइम को छोड़ देते हैं वर्तमान में देखेंगे तो केरल के जो राज्यपाल हैं वो श्री आरिफ मोहम्मद खान है श्री आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री रमेश वैश्य जो कि पूर्व में झारखंड के थे ठीक है तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमी सिलाई सुंदरा राजन राजस्थान के कलराज मिश्र हैं बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं जो कि पूर्व के हिमाचल प्रदेश के थे अब बन गए हैं कहाँ के बिहार के मेघालय के राज्यपाल श्री फागुन चौहान हैं जो कि पहले बिहार के थे अब ये नहीं अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया सॉरी मेघालय कहाँ मेघालय भेज दिया गया उसके बाद अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो लेफ्टिनेंट जनर, जनरल कैबल त्रिविक्रम पर नाइक हैं अरुणाचल प्रदेश के सिक्किम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है झारखंड के श्री सी पी राधाकृष्णन हैं हिमाचल प्रदेश के श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया आंध्र प्रदेश के श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर हैं छत्तीसगढ़ के श्री विश्वभूषण भुषभूषण हरिश्चंदन हैं जो कि पहले आंध्र प्रदेश के थे मणिपुर के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके हैं जो पहले छत्तीसगढ़ की थी उसके बाद नागालैंड के राज्यपाल श्री लाल गणेशन हैं जो कि पूर्व मणिपुर के थे और लद्दाख के श्री वी मिश्रा हैं ठीक है जो कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के थे इकतालीस देखिएगा उदयपुर वनज्य उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य स्थित है तो उदयपुर जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका बिहार में है कहाँ पे बिहार में बात करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण बिहार के मुंगेर जिले में बिहार में राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है तो राज्यसभा धन विधेयक को चौदह दिनों के लिए पारित कर सकता है मात्र चौदह दिन तक रोक सकता है धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधायक का उल्लेख अनुच्छेद एक में मिलता है धन विधायक को राज्यसभा केवल चौदह दिनों तक रोक सकता है और धन विधायक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है ये भी ध्यान रखिएगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और अध्यक्ष ही धन विधेयक को धन विधेयक सिद्ध करती है धन विधेयक पारित होने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है अर्थात सरकार भंग हो जाती है 43 देखिएगा कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और राष्ट्रमंडल प्रति स्पर्धा की परिकल्पना एक अंग्रेज जेएस ले कपूर ने 1891 में सबसे पहले किया था जेएस ले 1891 में इस खेल की शुरुआत जो है 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुई थी और यह प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है और 2022 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ है बर्मिंगम इंग्लैंड में किया गया है चौवालीस देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है तो केरल से संबंधित आपका भारतनाट्यम जो है वो नहीं है भारतनाट्यम तमिलनाडु का है ना कि केरल का और ये शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का तमिलनाडु का भारत भारतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और केरल की बात करें बाकी मोहिनीअट्टम कत्थक कली कुड्याट्टम ये सभी आपका केरल का है अच्छा कत्थक कहाँ का है आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिएगा कत्थक कहाँ का है पैंतालीस देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है तो दोस्तों बाहिदल पुंज जो है ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है बाहिदल फूल बाहिदल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है और यह प्राय हरे रंग का होता है कैसे रंग का हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण में कर सहायक होता है ये और अन्यतिका और बत्तिकाग्र मादा जनन अंग के भाग हैं प्राग के प्रांगण विभिन्न माध्यमों द्वारा संचारित होता है पुमंग नर जनन अंग है जबकि जायांग मादा जनन अंग है अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया तो इसमें प्रणब मुखर्जी को मिल चुका है भूपेन हजारिका को भी दिया गया है नानाजी देशमुख भी प्राप्त करता है दीनदयाल उपाध्याय नहीं प्राप्त करते हैं दीनदयाल उपाध्याय को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी उन्नीस में भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी और इस पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी को पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सरपल्लवी राधाकृष्णन थे दो हजार उन्नीस में यह पुरस्कार तीन व्यक्ति को दिया गया प्रणब मुखर्जी को भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को यह पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला मेडल जो होता है वो तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सुर है जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है सैतालीस देखिएगा पावर ऑफ एटीन का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया पावर ऑफ एटीन को लॉन्च किया है ट्विटर ने ट्विटर ने सोशल मीडिया है जो कि आपका पावर ऑफ एटीन को जोड़ा लॉन्च किया है इसमें क्या है कि युवाओं को जोड़ने का एक पहल है निम्नलिखित में से किस राज्य में ओ एन जी सी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया ट्यूलिप गार्डन आपका श्रीनगर में है कहां पे है है श्रीनगर श्रीनगर में है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर ट्यूलिप गार्डन है और ये जो है उत्तराखंड राज्य में ओ एन जी ओ एन ONG जी सी द्वारा ट्यूलिप गार्डन को विकसित किया गया तो एक उत्तराखंड का भी याद रखिएगा अभी आपका श्रीनगर वाला चर्चे में है बताइएगा किस बात के लिए चर्चे में है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा तो मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च 2022 में होगा कब 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है तो यूएसए की चिनुक जो है वो स्थानीय पवन है चिनुक चिनुक यूएसए की स्थानीय पवन है चिनुक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं चिनुक को क्या कहते हैं हिमभक्शी वायु कहते हैं फोन जो है वो फोन फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी की गर्म वायु है फोन उसके अलावे हम देखेंगे हर मटन को तो हर मटन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं और हर मटन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है एक कामन देखिएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है जयकबारी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है गंडक गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंग नदी पर तुंगभा परियोजना स्थित है बावन देखिएगा निम्नलिखित मैग्रोव स्थल पर गौर करें तो दिया है भितरकैनिका पिच्चावरम कुंडापुर उपयुक्त में से कौन सा या कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है तो भितरकैनिका मैग्रोव स्थल जो उड़ीसा में है और पिज्जावरम मैग्रोव स्थल जो तमिलनाडु में है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक और दो मैग्रोव बन को डेल्टाई बन भी कहते हैं मैग्रोव बन को डेल्टाई बन भी कहते हैं और यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है और इस प्रकार की वनस्पति की जड़ें पानी में डूबी रहती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाई जाती है सुंदरी वृक्ष कुंडारपुर मैग्रोव स्थल कर्नाटक में स्थित है जो पश्चिम तट पर है और मैग्रोव बन के प्रमुख वृक्ष होते हैं तार कैसुरीना नारियल व एंगोर ये सभी जो होते हैं वो मैग्रोव बन के प्रमुख वृक्ष होते हैं भितरकानिका जो है वो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है तिरपन नंबर प्रश्न है कि प्रथम लवासिया प्रथम लवासिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया तो प्रथम लवासिया द लॉ एसोसिएशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ये कहाँ पे किया गया तो यह किया गया नई दिल्ली में प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जिसका विषय था स्टेट पावर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ठीक है नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहते हैं जैन धर्म के तेईसवें तीर्थ का तीर्थंकर कौन थे तो जैन धर्म के तेईसवें तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन थे पार्श्वनाथ थे पार्श्वनाथ जैन धर्म के तेईसवें तीर्थंकर थे ऑप्शन डी जैन धर्म में कुल चौबीसवें चौबीस तिर... तीर्थंकर हुए जिसमें कि प्रथम ऋषभदेव थे जिनका प्रतीक चिन्ह साढ़ या फिर बिरसव या बैल जो भी कहें आप दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ हुए जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी शी सेना था तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए प्रतीक चिन्ह सर्प कर्ण था चौबीसवें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे जिनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनका चिन्ह सिंह था पार्श्वनाथ कांसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत किए पचपन नंबर प्रश्न देखिएगा ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा तो इसका बिंग ड्वेन ड्वेन ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर बिंग ड्वेन ड्वेन है सात सौ छिहत्तर ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई किंतु तीन सौ चौरानवे ईसा पूर्व में रो रोमन सम्राट जो था इसे बंद कर दिया लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत अठारह सौ छियानवे में ग्रीस दैट मीन्स यूनान के शहर एंथेस में हुआ था और प्रत्येक चार वर्ष पर इसका आयोजन होता है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में हुआ और मिराईटोबा 2022 ओलंपिक का शुभंकर है छप्पन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन ती, जैन के तीसरे तीर्थंकर थे तो तीसरे संभवनाथ थे संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह घोरा था अजीत नाथ दूसरे तीर्थंकर थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और पांच में सुमित नाथ अगला प्रश्न देखते हैं सत्तावन नंबर संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल उन्नीस में पेश किया गया उन्नीस में पहली बार उन्नीस में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग बाद में के हन के हनमथैया अध्यक्ष कौन हनु हनुमनथैया अध्यक्ष बने ने लोकपाल राज्यों में लो, लोकायुक्त का गठन की अनुशंसा की ठीक है सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन उन्नीस में सर्वप्रथम उन्नीस में लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र में किया गया था पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त हुए अंठावन नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्ल पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्ल पित्तुर पलकोबा को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य क्षेत्र में होता है इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशिष्ट उसकी जो विशिष्टता होती है उसको आश्वासन देता है और भारत के सांकेतिक प्रदान करने का कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ निन्यानबे के तहत किया जाता है और 2003 से ये लागू हुआ भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष तक मान्य होता है भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ था फिफ्टी नाइन देखिएगा कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है एलिस मेरेंटस टेनिस दिविज सरन पोलो शिमोना हालेप हॉकी अर्जुन आजाद क्रिकेट तो इसमें आपका दो और चार सुमेलित नहीं है दिविज सरन पोलो और दिविज सरन पोलो और एक हैं शिमोना हालेप हॉकी ये सुमेलित नहीं है बात करते हैं दिविज सरन पोलो दिविज सरन पोलो और सिनेमा हॉल गलत है क्योंकि जो आपका एलिस मेंट्रेस थे एलिस मेंट्रेस टेनिस के दिविज सरन भी टेनिस के ही हैं अर्जुन आजाद क्रिकेटर हैं और सिमोना हाले भी टेनिस के हैं साठ देखिएगा निम्नलिखित में सन 1999 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी तो वो था आपका जालियावाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियावाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड को त्याग दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफरुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरुद्ध तेरह अप्रैल उन्नीस को वैसाखी के दिन जो है ये हुआ था जालियावाला बाग में एकत्रित लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने गोली चला दिया जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तीन लोग मारे गए थे हंसराज नामक एक भारतीय ने इसका कृकत्य में डायर को सहयोग किया था और इस हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर उन्नीस को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित किया गया और फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में शुरू हो गई और 1922 में ये समाप्त हो गया फिर खिलाफत आंदोलन 1919 का समर्थन करके गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना इकसठ नंबर है सक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी तो सक्कर और खेरा की जो लड़ाई है वो हुई थी आपका 11 अक्टूबर 1724 को 11 अक्टूबर 1724 को सक्कर खेरा यानी सक्कुर खेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी और ये लड़ाई दक्कन के सविदार मुवारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी इस युद्ध में निजाम विजय हुआ था और निजाम का मूल नाम क्या था चिंकलीज खांस देखिएगा हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक जो हैं वो सत्य नडेला हैं सत्य नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं आई डू वॉट आई डू रघुराम राजन की पुस्तक है द ब्लू अमरेला रस्किन माउंड की पुस्तक है इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद सुब्रमण्यम की पुस्तक है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यपार और ब्लाद श्रम निषेध है यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अनुच्छेद तेईस हो जाएगा ब्लाद श्रम और मानव दुर्व्यापार अनुच्छेद तेईस में निषेध है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है बारह से पैंतीस आपका मौलिक अधिकार का वर्णन है छ मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में दिया गया है मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है चौबीस में बालकों को यानी जो छः से लेकर चौदह वर्ष के बच्चे हैं उनको कारखाना में नियोजित किए जाने पर प्रतिबंधित है पच्चीस में क्या है कि, कि किसी भी धर्म को अबाध अवैध रूप से मानने एवं प्रचार प्रचार करने का अधिकार और अनुच्छेद 26 में क्या है धर्म के प्रबंधन का अधिकार इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वह मोरक्को से था वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था उसने रेहला लिखा था तो इसका आंसर आपका सभी सत्य है वह मोरक्को का था मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था रेहला उसकी पुस्तक है सभी सही है मध्य एशिया के रास्ते देखिए मोरक्को को मार्केस माराकेस मारा भी कहा जाता है मोरक्को को और मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता तेरह सौ ईस्वी में अस्थलबर्ग से सिंध पहुंचा और उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला 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 और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर इब्न बतूता ने मुल्तान और कक्ष के रास्ते होकर दिल्ली की ओर जो है है वो प्रस्थान किया था अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा यहाँ पे कुछ और और दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार और सुल्तान उसकी विधता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी भी न्यायाधीश को निक, न्यायाधीश नियुक्त किया किसको इब्न बतूता को फिर मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं का बादशाह कहा जाता है इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वित्तांत रेहला है जो अरबी में लिखा गया है चौदहवीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जो है वो बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है पैंसठ देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है तो दिनेश गोस्वामी जो है ये आपका चुनाव सुधारों से संबंधित है वहीं आपका जी वी के राव समिति जो है ये ग्रामीण विकास हेतु प्रकाश प्रशासनिक समा समायोजन एवं गरीबी कल्याण से संबंधित निवारण से संबंधित है अशोक मेहता पंचायती राज के मूल प्रशासनिक ढांचों से संबंधित है एल एम सिंधवी समिति लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का सशक्तिकरण से संबंधित है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर उन्नीस को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है छियासठ नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपेनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया इंडियन ओपेनियन महात्मा गांधी की पुस्तक है और इस पत्र इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी इन द आउटर कोड एनी बेसेंट की रचना है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अपूर्ण आत्मकथा एन इंडियन रिप इन एन इंडियन पिलग्रीम के नाम से लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी तो न्यूजीलैंड के द्वारा 2024 में ओलंपिक की मेज़बानी की जाएगी फ्रांस पेरिस में होगा और 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा नीचे दिए गए अभी क्रिया को पूरा करें तो सबसे पहले ए एल ओ टू थ्री आपका ए एल ओ ए एल टू ओ थ्री जो है इसमें देखिए पूर्ण रूप क्या हो जाएगा तो इसमें दिया हुआ है थ्री एच टू ये डी आपका जो है ये इसको पूरा कर देगा यहाँ पे ठीक है अगला देखते हैं 69, एक टेलीविजन का अंकित मूल इसके क्रम मूल से बीस परसेंट अधिक है इसके क्रम मूल से क्या है बीस परसेंट अधिक है यदि अंकित मूल्य दस परसेंट छूट जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कुछ नहीं करना है आपको कितना बोला है बीस परसेंट अधिक है तो एक सौ बीस कितना में सौ में ठीक है उसके बाद सौ परसेंटेज की बात है तो सौ लगा दीजिए अब निकाल लीजिए वैल्यू जीरो से जीरो गया एक सौ बीस एक सौ बीस इसका अंकित मूल हो जाएगा परसेंटेज में आपको बताना है इसका क्या बताना है अगर लाभ प्रतिशत में है तो प्रतिशत बताइए तो ये तो आप अंकित मूल्य निकालिए अब उसका विक्रय मूल निकालिए एक सौ बीस का कितना दस परसेंट छूट दिया जाता है एक सौ बीस में तो नब्बे हो जाएगा परसेंटेज के लिए एक सौ तो जब डिवाइड कीजिएगा जीरो से दो जीरो से दो जीरो गया बारह नम 108 सौ आठ या आज्ञा एक सौ आठ यहाँ पे दे दिया है अब लाभ परसेंट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो आ जाएगा आठ परसेंट आंसर सत्तर नंबर है चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि पाँच हजार चार वर्ष में बीस हजार हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा एक्सप्लानशन आपके सामने है वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं इकहत्तर नंबर प्रश्न देखिएगा कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित गैर लाभकारी संस्था है और डब्ल्यू e. का मुख्यालय जेनेवा में है विश्व बैंक और आई का मुख्यालय वाशिंगटन डी में है वाशिंगटन डीसी का सॉरी डीसी का क्या अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो डीसी लगा हुआ है वाशिंगटन डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बहत्तर क्या है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया तो यह इसरो के द्वारा 2019 में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया बेंगलुरु में इसरो का शिलान्यास के अध्यक्ष के 2018 दो से बाईस ने पिन्या बेंगलुरु में किया और वर्तमान अध्यक्ष कौन है श्री एस सोमनाथन है चलिए तिहत्तर नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं हिमालयन उड़ीसी एम पी वीरेंद्र कुमार की द कारगिल विक्ट्री वैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक कर्नल एस पी त्यागी की वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह की गलेरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर की तो इसमें आपका जो है वो सभी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही तो ही पूछा गया है सुमेलित है सभी सुमेलित है हिमालयन उड़ीसी के लेखक एम पी बीरेंद्र कुमार हैं द करगिल विक्ट्री वेटल्स फ्रॉम पिक टू पिक के लेखक एस पी त्यागी हैं वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक नटवर सिंह हैं और ग्लेरियस डाइस्पेरो प्राइड ऑफ इंडिया के लेखक रजत कपूर हैं चौहत्तर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के कथन संबंध सही नहीं है उन्नीस में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल को याद के पुरस्कार प्रस्थापित किया नहीं होगा आंसर एक करेक्ट हो जाएगा केवल एक 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल तीन लोगों को मिला 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी एंस्थर ड्रुपलो और माइकल क्रेमर थे केवल और केवल जो है आपका सत्य नहीं है वो फर्स्ट 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया ये सत्य नहीं है 2019 में यह अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता तीन लोग थे अभिजीत बनर्जी एस्तर डुफ्ले माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके परियोगात्मक दृष्टि के लिए जो है यह दिया गया स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा अठारह में डायनामाइट का आविष्कार किया गया और यह पुरस्कार प्रारंभ में पांच विषय के कार्य हेतु दिए जाते हैं उन्नीस में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार प्रत्येक साहित्य शांति अर्थशास्त्र चिकित्सा भौतिक विज्ञान रासायन विज्ञान के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक अक्टूबर में की जाती है पचहत्तर देखिएगा कि अठारह में शुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी तो 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी वो गोरखा नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुई थी अंग्रेज एवं गोरखा के बीच नेपाल की ओर से इसके इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था और अंग्रेजों की ओर से पेरिस के शो ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को दिया गया तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया नीतीश कुमार किची को मुफ्ती मोहम्मद सैयद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पी पीडीपी के अध्यक्ष थे उसके बाद महबूबा मुफ्ती उनकी पुत्री थी पुत्री है सतहत्तर नंबर है कि 50 लीटर एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20 परसेंट अल्कोहल का मिश्रण है 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी तो चलिए इसका आंसर आप बता दें सबसे पहले आंसर सोलह सोलह पूर्णांक दोा तीन परसेंट होगा देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्कोहल का नया मिश्रण एक्स परसेंट है पचास लीटर मिश्रण में बीस परसेंट अल्कोहल है तो पचास में बीस परसेंट निकाला तो कितना आया दस परसेंट क्या बचा चालीस बच गया अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है तो दस परसेंट अल्कोहल पानी मिलाने पर इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा साठ का एक्स परसेंट तो आंसर आपका सोलह पूर्णांक दो बट्टा तीन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवा शुक्रवाइ का ये शुक्रवाहिका मादा प्रजनन का हिस्सा नहीं है ये नर प्रजनतन का हिस्सा है जबकि अंडाशय गर्भाशय फैलोपियन नायलिका मादा प्रजनन का हिस्सा है निशेचन की क्रिया फैलोपियन नायलिका में ही संपन्न होती है अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित है तो एस भास्करन जो है दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार विजेता है ये और इनका संबंध बॉडी बिल्डिंग से है भास्करन चेन्नई के रहने वाले हैं भारत के प्रथम लोकपाल कौन है पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष दीपा मिश्र और टी एस ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं विनोद राय पूर्व नियंत्रक लेखा महापरीक्षक रह चुके हैं इक्काशी देखिएगा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हॉर्मोन श्राबित होता है तो पीयूष ग्रंथि में जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं मनुष्य के शरीर पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हारमोन श्राबित होता है वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को एड्रोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये शरीर में मौजूद अन्य सभी अंतस्रावी ग्रंथियों को श्रावित नियंत्रित करता है थायराइड की बात करें तो हिंदी में इसको अवटू ग्रंथि कहते हैं जो कि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है अगर हम ब्रिष्ण की बात करें वृषण से निकलने वाला हार्मोन टेस्ट्रीन यौन आचरण को प्रेरित करता है अंडाशय की बात करें तो अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है और यह अंडवाहिनी के परिवर्तन को पूर्ण करता है पुरुष्ट्रोजन जो है यह एस्ट्रोजन इस्ट्रो, एस्ट्रोजोन से सहयोग करके स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है और रिलैक्सिन जो है यह गर्भावस्था में अंडाशय गर्भाशय और अपरा में उपस्थित रहता है यह हार्मोन प्यूबिक सिफाइसिस प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से वो जो है वो हो सके अगला प्रश्न है बिरासी नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर है विराट नगर बौद्ध के अंगुतर निकाय में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की सूची मिलती है जिसमें बत्स की राजधानी कौशाम्बी है कुरु का इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर है उसके बाद सूरसेन का मथुरा है तिरासी नंबर देखिएगा जब गर्म पानी को श्रोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है तो भूस्मीय ऊर्जा कहलाता है जब गर्म पानी को शोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भूस्मीय ऊर्जा कहलाता है सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फब्बारे निकलते हैं विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलो स्टोन पार्क में स्थित है और भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व के चौथे स्थान पे है भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति होती है चौरासी नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है मीन यह जो होता है सार्क जो है मीन वर्ग की है स्टारफिश इकाइनोडार्मेटा से संग संबंधित है सिल्वर मछली की बात करें तो एक्टिनो पैट्री से संबंधित जीव है और वेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कोयना परियोजना महाराष्ट्र शराबती परियोजना कर्नाटक बाली मेला परियोजना उड़ीसा शबरी गिरी परियोजना गुजरात ये सुमेलित नहीं है यह परियोजना केरल में है ना कि गुजरात में अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र थ्री आक्रामक पंडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रूस भारत ने चक्र थ्री आक्रामक पंडुब्बी का अनुबंध रूस के साथ किया और यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए है अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोबाक जोकोविज पुरुष के विजेता बने नोबाग जोकोबिज किस देश से हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोबाक जोकोबिज पुरुष एकल के विजेता बने ये साइबेरिया के हैं नोबाक जोकोविज टेनिस खिलाड़ी हैं और टेनिस खेल के उद्भव में 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड टेनिस खेल का उद्भव जो है वो 19वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुआ था टेनिस के चार प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है दूसरा फ्रेंच होता है तीसरा बिबल्डन चौथा यूएसए होता है टेनिस के इन चारों टूर्नामेंट को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है निम्नलिखित में किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदाव, पदावनत किया गया 2006 में किया गया था 2006 में प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पदस्थिति से निकाल दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की यह बैठक प्राग्य गणराज में हुई थी अगला प्रश्न देखते हैं और इस बैठक में प्लूटो को ग्रह की संज्ञा दिया गया प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण छीना गया कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ तो कनिष्क के समय जो बौद्ध संगति हुआ था वो कश्मीर कुंडल बन में हुआ था एक मत जो कि बिहार से बाहर हुआ था प्रथम हुआ था अजा शत्रु के समय राजगिरी में दूसरा हुआ था कालाशोक के समय वैशाली में तीसरा हुआ था आपका अशोक के समय पाटलिपुत्र में और चौथा बसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय का कारण नहीं है तो आपका सोडियम ऑक्साइड जो हो जाएगा वो भूमंडलीय ऑक्सीकरण का का कारण नहीं है 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फुरियर ने भूमंडलीय उमीकरण के बारे में बताया ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड जालवास और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है इत्यादि हैं निम्नलिखित किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है तो कजाकिस्तान जो है उसकी राजधानी वर्तमान में नूर सुल्तान हो गई है नया नाम चेंज कर दिया है वर्तमान इसकी राजधानी अस्ताना है कहाँ पे है अस्ताना है ये 2019 का क्वेश्चन था इसीलिए फिर से अस्ताना कर दिया गया उज्बेकिस्तान की राजधानी ताजकंद है तजाकिस्तान की दुशांबे और किर्गिस्तान की बिस्केक है बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो देखिएगा ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है सही है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है यह भी सही है बिरातन एक जैन मंदिर संग्रहालय है ये भी सही है तीनों आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में अगला प्रश्न आते हैं तिरानवे नंबर मैथ का प्रश्न है कि एक दुकानदार एक कुर्सी बेचने पर छह कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए चार परसेंट की बात कर रहा है दोस्तों यानी छः कुर्सियाँ पर जो उसको चार परसेंट इसका आंसर हो जाएगा सी पी सी पी कितना है आपका एक सौ चौवालीस है छः कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर ना तो प्लस कर दीजिएगा एक सौ पचास हो जाएगा हानि परसेंट निकाल लीजिएगा आ जाएगा आंसर निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है औरैया औरैया जो है दोस्तों ये थर्मल पावर बिहार में नहीं है सॉरी बिहार में नहीं है ये पूछा गया है औरैया उत्तर प्रदेश में है और शेष सभी जो है आपका बरौनी बाड कहलगांव सभी बिहार में है गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया तो गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा गांधी सोलर पार्क का न्यूयॉर्क में किया गया कहां पे न्यूयॉर्क में निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है तो पृथ्वी की आयु चार से पांच मिलियन वर्ष है यह भी पूछा गया है एग्जाम में आप लोगों को ध्यान होगा जो एग्जाम दिए होंगे दो में पाँच चार से पाँच बिलियन वर्ष है आयु की बात करें तो फोर पॉइंट सिक्स बिलियन वर्ष है पृथ्वी की पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है यह सूर्य की दूरी से तीसरा आकार की दृष्टि से पाँचवा ग्रह है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है पृथ्वी पर उनतीस परसेंट स्थल इकहत्तर परसेंट जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं और जॉन हर्सल के अनुसार पृथ्वी की आकृति जियोड है जिन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का बताया है संतानवे नंबर हीरे का निक्षेप अपवर्तनांक सूचकांक है तो हीरे का जो हो जाएगा वो फोर पॉइंट टू फोर टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक गुणांक दो दशमलव चार एक सात है हीरा कार्बन का अपरूप है उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ही यह चमकीला और कीमती आभूषण तथा जेवरों को बनाने में काम आता है हीरा विद्युत का कुचालक होता है हीरा शुद्ध हीरा रंगहीन और पारदर्शक होता है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है तो वो शामिल है आपका एक तो शामिल हो जाएगा वस्तु और सेवाएं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान ऑप्शन नंबर डी किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तु और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं अगला देखते हैं निन्यानवे नंबर की निम्नलिखित में से किसे दो हज़ार के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो संदीप सोमानी को ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी संदीप सोमानी को 2018-19 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया फिक्की का 16 से 17 दिसंबर 2022 को सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है इसकी स्थापना उन्नीस में होती है संस्थापक घनश्याम दास बिरला हैं मुख्यालय नई दिल्ली में है वर्तमान अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा हैं लास्ट प्रश्न है इस सेट का निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं तो वो एक तो हो जाएंगे आपके बिक्रम सारा भाई पुस्तकालय दूसरा हो जाएगा ओवर लेडी ऑफ गोलरी चर्च और तीसरा हो जाएगा फ्लोरा फाउंटेन ऑप्शन नंबर बी 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत के पुरस्कार विजेता विक्रम सारा पुस्तकालय ओवर लेडी ऑफ गोलरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन है यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र उपक्रम की है यूनेस्को का मुख्यालय राजधानी पेरिस में है यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा प्रकृति विज्ञान सामाजिक मानवीय विज्ञान संस्कृत के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के प्रति शांति और सद्भाव को प्रोत्साहन देता है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हो गया यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर छः होगा तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत